हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम जो कुछ भी विराज के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है बुआ जी। It's not right. हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है डार्लिंग, कि तुम कुछ भी कर रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विराज अब तक तुम्हें आप हमसे चाहते क्या है बुआ जी? पहले भी हम बाल बाल बच्चे हैं, अगर विराज को पता चल गया होता आप जानती है ना क्या हो जाता? हमें या तुम्हें? विराज हमें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। और आप सिर्फ जानती हुई भी ये सब हमसे करवा रही है, नहीं मतलब ही है आप। हमसे हमारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए थैंक यू, लेकिन हम आपको बताते जा रहे हैं कि आप भी कुछ कम नहीं है। आप भी अपने आप को मुसीबत से निकलवाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। और अगर तुम चाहती हो ना कि विराज का तुम पर से भरोसा ना उठे, तो जितनी जल्दी हो सके उसे शादी के लिए हाँ करवाओ। अगर विराज ने हमसे शादी करने के लिए हाँ कर भी दी तो इसलिए नहीं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कहेंगे क्योंकि वो निशा को उस लड़के कबीर के साथ देख चुके हैं। हमें विराज से तुम्हारी शादी के लिए हाँ चाहिए। अब चाहे वो हाँ प्यार की वजह से आए या जलन की वजह से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा अंडरस्टूड? अब जब तक कायरा विराज को संभालती है हमें वक्त मिल जाएगा विराज के भाई की गुत्थी को सुलझाने के लिए। कहीं तो होगा वो। अरे कबीर बेटा कहां जा रहा है? सॉरी अंकल, जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। बाथरूम से बस पहन के? सुन, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या मेरी शादी हो गई? नहीं नहीं, इतनी भी नहीं, लेकिन काफी है। मैंने एड्रेस ढूंढ निकाला है तेरे लिए, उन्मुख साबू का। उन्मुख साबू? थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। वैसे आपके लिए भी एक गुड न्यूज है। क्या? आज शाम को कुछ बच्चे घर पे आ रहे हैं, अपने रमेश से म्यूजिक सीख ले, घर पे ही रहिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जल्दी मैं ढूंढ लूंगा अपने आप को, अपनी जड़ों को, अपने कल को, लेकिन उससे पहले वो मैगजीन। नहीं मैडम, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मिसेस व्यास, आप ये झुमके बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए ना, आपने इस कैटलॉग में इन्हीं झुमकों के डिजाइन पर निशान लगाया हुआ है, आपने पसंद किया है। नहीं नहीं, ये वो डिजाइन नहीं है जो मैंने चुना था, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप, ये देखिए ना, आपने जो बताया था उसी टेस्ट के हिसाब से ये बना है, अब आप लेने से मना कर रही हैं। तो फिर या तो मेरा टेस्ट बेकार है या आपके डिजाइन, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आपने अभी देखिए मिसेस व्यास, बात समझने की कोशिश कीजिए। अब ये झुमके मैं तो पहन के घूम नहीं सकता ना, और आपके पसंद से बनाए हैं तो इसकी अब कोई गारंटी भी नहीं है कि मार्केट में किसी और को हम बेच पाएंगे, किसी और को पसंद आएंगे। नहीं नहीं, दादाजी ने दुकान पे मुझे पहला काम दिया है, चाहिए मिसेस व्यास मुझे कच्चा क्यों ना चबा जाए, ये काम तो करना ही पड़ेगा। सिंधवाल,
मैं फर्स्ट क्लास, आप कैसे हो? शादी संडे को, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस झुमके। अच्छा वो झुमके वही ना जो आपकी कनाडा वाली भतीजी को चाहिए थे? एग्जैक्टली वही है, न्यू डिजाइन। हाँ हाँ वो तो एकदम रेडी। मैं ना आपको 2 मिनट में कॉल करती हूँ। आपको ये झुमके नहीं चाहिए ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू ताऊ जी। वो मिसेस सिंधवाल है ना, द सिंधवाल्स, उनके घर में शादी है, उनकी कैनरा वाली भतीजी को ये झुमके बड़े पसंद आ गए। देखो इंडिया वालों के टेस्ट के हिसाब से हम चले ना चले, लेकिन इंटरनेशनली वे गोना रॉकेट चाचू, मैं कह रही हूँ आपसे। सुकू ये ले, पैक कर दे। ताऊ जी बॉक्स देना। ये झुमके मुझे चाहिए। हम ये आपको कैसे दे सकते हैं? हमने तो मिसेस सिंधवाल को प्रॉमिस किया है कि हम उन्हें नहीं, मना कर दो उन्हें, मुझे चाहिए ये झुमके। लेकिन मैम ऐसे कैसे हम आपको? नहीं मैंने कहा ना, मना कर दो उन्हें। और हाँ कम से कम 6 महीने तक ये डिजाइन मेरे अलावा किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है मैडम, अब आप हमारी रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए सिर्फ आपके लिए 6 महीने तक ये डिजाइन हम किसी और को नहीं दिखाएंगे। सुकू दे दे, ये लीजिए। थैंक यू, हम दोबारा जरूर आइएगा। निशु गले में रख दे। सुकू गले में रख दे। कन्नु जी गले में रख दो। क्या बात है निशु, यार तुमने तो कमाल ही कर दिया। पापा से सिखाया ताऊ जी, अगर मुस्कुरा कर कहो ना तो पहाड़ भी पिघल के नदी बन जाते। अच्छा। निशु तो सेलू निकली यार। अरे मेरे साथ रहेगी ना, 3-4 दिन एक्सपर्ट कर दूंगा उसे। आपने बेचा उसने बेचा? चल काम पे लग जा। अरे तुम क्या कर रहे हैं? मैं सबके लिए चाय लाया हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, लीजिए ना। अच्छा बच्चू, तो समोसों का कर्ज उतारा जा रहा है चाय पिला के अदरक वाली, वो भी हमारे ही पैसों से। हाँ ठीक है, चाय का इरादा तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा देर रुकना नहीं है, निकलो यहाँ से, चाय दे। ओके दादू। चाय दादू आइए बैठिए ना, आइए आइए, सॉरी सॉरी, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए हो गया। सॉरी दादू, एंजॉय योर टी। चाय जी ताऊ जी, चाय चाय समय बांट देना। कबीर तू मैगजीन के पीछे क्यों पड़ा यार? बिट टफर।
क्या तुम्हारे हाथ में? वे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा? कुछ नहीं दादू, पानी पी रहा था। कहा था ना तुमसे यहां ज्यादा देर नहीं रुकना, निकलो आज। चुप। बाय। हाँ हाँ जा भाई जा। प्लीज डॉली, तुम मेरे मम्मी पापा को मत बताना कि मेरी जॉब जा चुकी है। What? तुमने ये बात अपनी मम्मी तक को नहीं बताई? डॉली तुम मेरी मम्मी को तो जानती हो ना, वो ऐसी बात को वो पहाड़ बना देती है। डॉली तुम मेरी पत्नी हो और एक मुश्किल वक्त में तो पत्नी एक पति के काम आती है। सुमित हम इतनी बड़ी बात सबसे कैसे छुपा सकते हैं? करना होगा डॉली, आई डोंट हैव अ चॉइस। प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगी, दोगी ना? अच्छा ठीक है, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। हेलो मॉम, सुमित। अच्छा यहाँ कुछ और दिन रुकने का प्लान बन गया, अब आप देखते जाओ कैसे धीरे धीरे पूरी दुकान का कंट्रोल मैं अपने हाथों में लेता हूँ। ओए, कम से कम थैंक यू तो बोल। अगर वो फोटो तेरे ओल्ड मैन के हाथ लग जाती ना। अच्छा बेटा, तू दुकान पे क्या बैठ गई, मुझे अक्कड़ दिखा रही है? यहाँ मैं तुझे बचाने के लिए पेपर कर रहा हूँ, तू भाव खा रही है। वाह। हाँ तो ठीक है ना, दादाजी को फोटो देखने देता, मैंने मना किया था क्या? तू पागल है क्या? देख, हम इस सामूहिक विवाह को मजाक मान रहे हैं, लेकिन तेरे दादू की जनरेशन वो ऐसा नहीं मानेगी। एक मिनट एक मिनट, कहीं तू इस शादी को सीरियसली तो नहीं ले रही ना? अबे ओए, तू पागल है क्या? गुड, वैसे भी ये सब करने में आ नहीं आया था। हाँ तो तू जो करना है वो कर, तेरा दिमाग मत खा। नहीं सुना, सुना मेरी बात सुना, प्लीज प्लीज सुना, दो मिनट हाँ सुन सुन सुन। देख, मैंने अंदर तेरी हेल्प की ना, अब तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। प्लीज, ससुर जी ने फोटो स्टूडियो का एड्रेस दिया है मुझे। ससुर जी? हाँ, तेरे पापा मेरे ससुर हुए ना। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू एक तरफ ये कहता है कि ये शादी सिर्फ एक मजाक थी और मेरे पापा को बार बार ससुर जी कह रहा है। अरे यार निशा, मेरी लाइफ की ना चौपसी हुई पड़ी है, इसलिए कभी कभी मन हल्का करने के लिए जोक मार लेता हूँ, बुरा लगे तो सॉरी। ओके ओके गुड। देख, इस फोटो स्टूडियो से पता लग सकता है कि जो फोटो में लेकर घूमते रहता हूँ ना, उसमें जो बच्चा है वो कौन है, और तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। प्लीज सॉरी, आज दुकान पे मेरा पहला दिन है, मैं नहीं आ सकता। निशा निशा निशा, देख निशा, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे मेरी हेल्प करनी होगी, प्लीज प्रिटी प्लीज। कभी यार तू भी ना हमेशा ऐसा क्यूट एक्ट करके सब कुछ मनवा लेता है, और तू मान भी लेती है। बस हाँ, अब ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, प्यार के मामले में मुझे गलतफहमी नहीं होती, और वैसे भी मैं एक आजाद पंछी हूँ, 3 महीने में उड़ जाऊंगा। तू सोच, अगर वो मैगजीन का पन्ना जो सब मेरे पेट में पच रहा है गंगवास के हाथों लग जाता तो गए ना। चल कभी हाथ छोड़। अरे चलना चलना क्या होता है, कभी हाथ छोड़ मेरा कभी। ये तुझे परेशान कर रहा है, तू मार खाए बिना नहीं मानेगा ना, इसकी तुम्हें बीवी कर। सुकू रिलैक्स, वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा था, तू बस अंदर जाके बोल दे कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ जा। हाँ जा रही है। अरे आ रही हूँ। ठीक है चल जा, वैसे भी आज सब तेरे से दुकान पे बहुत खुश हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं अंदर सब संभालूंगा, पर टाइम से आ जाना। ओके।
चले क्यूट एक्ट की दुकान चल। हाय कभी कभी इतनी क्यूट बातें करती है ना तो मन करता कि तुमसे शादी कर ही लूं। लेकिन मुझे खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है। चल कबीरे ढूंढते इस लड़के को, शायद तेरे जिंदगी के सवालों का जवाब इसके पास हो। आज हम बहुत खुश, फाइनली आज आप हमारे साथ आने के लिए तैयार जो हो गए। थैंक यू सो मच। Are you sure restaurant is here? हाँ, I'm sure. तू पागल है क्या? तूने इतने जोर से ब्रेक क्यों मारी? एक बात है निशा, जो मैं बहुत दिनों से तुझसे कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पाया। क्या हो गया? तू इतना सीरियस क्यों हो गया? बात ही कुछ ऐसी है, ये तीन वर्ड्स, इन्हें महसूस करना बहुत आसान होता है लेकिन इन्हें कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं सच कहना चाहता हूँ। लेकिन कबीर तू मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ तीन वर्ड्स। हम पहुंच गए हैं। क्या? फोटो स्टूडियो आ गया। तू कितना केयरिंग और तू मेरे केस से कितना जी है यार। ये फोटो स्टूडियो ढूंढते ना मैं टेंशन में आ गया था, सोचा वो थोड़ा लाइट कर देता हूँ। इडियट, तुझे टेंशन क्यों हो रही है यार? आई होप ये उन्मुख साहब मुझे बता पाए कि ये फोटो किसकी है। अगर उन्मुख साहब जिंदा होगा तब बताएगा ना। और वो फोटो भी कितनी पुरानी है, उसे याद भी तो होगा। चुप, कभी तो शुभ बोल। चल ठीक है ठीक है, जल्दी चल यार, मुझे दुकान के लेट हो रहा है। पार्किंग तो ढूंढने दे। हम पहुंच गए। विराट, क्या अभी भी आपको वही सज्जर पसंद है? आपको याद है एक बार उस सज्जर को ढूंढते ढूंढते हम लोग पूरा जयपुर घूम गए थे। हम पार्किंग ढूंढते हैं। ओके। यार कुछ तो रिश्ता है तेरा हीरो से मेरा, हर जगह सामने आ जाता है। पार्किंग एक, गाड़ियां दो, इंटरेस्टिंग। कभी कहीं और पार्क कर ले, देख वहां पे तो जगह है ना। कबीरा को जो चाहिए होता है वो उसे लेकर रहता है। जिससे पहले देखी जगह उसकी, और वैसे मुझे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं। विराज चलिए यहां से। रिलैक्स कर, हम पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारा है हम लेकर रहेंगे। कबीर कबीर नो, विराज विराज प्लीज।
बोला था ना, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहता हूं। काम बेबी काम, कभी स्टॉप इट, काम बेबी लेट्स गो, कभी कभी हाथ छोड़ यार, कभी हाथ छोड़, कभी हाथ छोड़। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।